अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैर ऐसे होंगे। तो आज ना मार्केट में ये मिलने वाले डिज़ाइनर बिस्किट बनाएंगे बिना कोई साँचे के और बिना ही कोई मोल्ड के। हम ये बना करके तैयार करेंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे और बेकरी से भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे और सिर्फ ऐसे फॉर इन्ग्रीडियंट से बनाएंगे। तो लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो को। तो मैंने यहाँ ले लिया 1/4 कप भर के पिसी हुई शक्कर, जो नॉर्मल हमारे घर में शक्कर होती ना ये वो है। मैंने इसके अंदर 2 इलायची डाल करके पीस ली थी ताकि एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो मैंने 1/4 कप भर के यहाँ पे शक्कर ले ली है और 1/4 कप के करीब ही मैंने यहाँ पे बटर लिया है। और अगर आप बटर यूज़ करेंगे तो थोड़ी देर आप फ्रिज से बाहर निकाल करके रख दीजिए। मैंने नहीं रखा था इसलिए मुझे मिक्स करने में थोड़ी परेशानी, थोड़ी दिक्कत हुई थी। अच्छा, अगर आप चाहें ना तो बटर की जगह पे आप डालडा घी जो आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और हमारा देसी घी जो होता है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं। और एकदम अच्छे से फ्लफ़ी कंसिस्टेंसी आने तक हम इसे फेंटना है। और इसे एकदम अच्छे से फेंटने के बाद में मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब वैनिला एसेंस डाल दिया है। अगर आप ना डालना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें इलायची पाउडर, इलायची भी डाली है इस वजह से, पर मैंने डाला है क्योंकि मुझे एक ना बाहर के बेकरी जैसे बिस्किट का फ्लेवर देना था इसलिए। अब मैं बेकरी के जैसे बिस्किट बना रही हूँ तो मैंने मैदा ही यूज़ किया है। मैंने 1 कप भर के मैदा लिया है और थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा डाला है। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप 2 टीस्पून भर के पहले जब हमने घी में मतलब बटर वगैरह फेंटा था ना तब उसमें 2 टीस्पून आप दही डाल दीजिए। और अब ना मैंने इसमें 2 टीस्पून के करीब मिल्क ऐड कर दिया और धीरे धीरे करके ना एक सॉफ्ट सा डो लगा दिया। दूध ज़्यादा नहीं ऐड करना है, दूध हमें सिर्फ जुड़े तक ऐड करना है। जब हमारा डो एकदम अच्छे से जुड़ जाएगा तो हमें ज़्यादा दूध ऐड नहीं करना है। अब जो है ना मैं ये तवे पर बेक करूँगी। तो ये जो है ना नॉनस्टिक तवा है मेरे पास में, अगर आपके पास ना हो तो आप घर का नॉर्मल तवा लेकर उसे ऑयल बटर से ग्रीस कर सकते हैं और उसके ऊपर भी बेक कर सकते हैं। अब जो है ना मैंने एक चम्मच ले लिया है और उसकी मदद से मैं ताकि जितने हमारे बिस्किट है ना पूरे इक्वल शेप के बने, तिकड़ पिकड़ ना बन जाए, इसलिए मैंने एक चम्मच की मदद से थोड़ा सा बैटर लेके और चाकू की मदद से ये देखिए कितनी इजीली ये डिज़ाइन बन जा रही है, मतलब मार्केट से भी अच्छी। जब आपके घर मेहमान आएंगे, आप चाय के साथ उनके उनको ये बिस्किट सर्व करेंगे ना तो मतलब वो तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये बिस्किट घर में बनाए हुए हैं कि मार्केट से लाए हुए हैं। इसमें से हमने वैनिला एसेंस डाला है ना उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है इन बिस्किटों का। अब आप देख सकते हैं मैंने इतने बना लिए हैं और मालूम है 1 कप में ये इतने नहीं बने थे, अभी 5 बिस्किट और पीछे रखे थे बेक करने के। अब मैंने क्या किया ना, नॉर्मल जो तवा रहता है ना उसको पहले 5 मिनट हीट करने रख दिया था गर्म करने, और उसके ऊपर एक स्टैंड रख के हमारे तवा रख दिया और ऊपर से एक बड़ा पतीला झाँक दिया मैंने। बहुत ही ज़्यादा आसानी से 20 मिनट के अंदर ये बिस्किट बेक हो गए थे। अगर आपको और ज़्यादा डार्क कलर लाना है तो आप 5 से 10 मिनट और ज़्यादा बेक कर सकते हैं इन्हें और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये बेक हो जाएंगे और तवे पे बेक हो जाते हैं बिना किसी ओवन के। और अंदर से टेक्सचर आप देख सकते हैं, मार्केट मतलब बेकरी के बिस्किटों को भी फेल कर देंगे बिस्किट, और खाने में ना बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।